कीवर्ड की टाइप्स को देखा कि बाय नेचर कीवर्ड्स कितनी तरह के होते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, शॉर्ट कीवर्ड्स, लॉन्ग कीवर्ड्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स, लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स, कमर्शियल कीवर्ड्स, इंटेंट टाइप कीवर्ड्स, ये सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद हमने देखा कि कीवर्ड्स की टाइप्स, हमने दूसरी टाइप्स भी देखी कि भाई ब्रॉड कीवर्ड भी होते हैं, मैच कीवर्ड्स, सेंटेंस केस वाला एक कीवर्ड था और एक नेगेटिव कीवर्ड था, ठीक है। ये दो तरह की हमने टाइप्स देखी। अब हम जरा कीवर्ड्स की बात को आगे लेकर चलते हैं। अब हम देखते हैं कि ये तो समझ में आ गया हमें कि कीवर्ड क्या है, अब हम ये देखते हैं कि हमने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। ये बात तो हमें सब समझ में आ गई है कि भाई हमने जब अपनी वेबसाइट बनानी शुरू करनी है तो हमारा जो काम है वो कीवर्ड रिसर्च से शुरू होना है, क्योंकि अगर कीवर्ड्स हमारी वेबसाइट में शामिल होंगे तो उसी की बेस पर ही तो हमारी वेबसाइट ने रैंक करना है। तो हमें वेबसाइट का कंटेंट लिखने से पहले डिसाइड करना है कि हमारे वेबसाइट के कीवर्ड्स कौन से हैं, ठीक है। सो हमें पहले कीवर्ड रिसर्च करनी है, वही अब हम देखने लगे हैं, ठीक है। अब हम हमारा टॉपिक क्या आ गया, कीवर्ड रिसर्च, कि कीवर्ड रिसर्च कैसे होगी। मेन कंपोनेंट ऑफ एसईओ एंड इंटरनेट मार्केटिंग, यानी कीवर्ड रिसर्च जो है ये हमारा एसईओ का मेन टॉपिक है, एसईएम का भी मेन टॉपिक है, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का भी मेन टॉपिक है और सर्च इंजन मार्केटिंग का भी मेन टॉपिक है। इसलिए कि जब हमने गूगल एड्स लगानी है तो भी कीवर्ड की बेस पर लगने हैं, और जब हम लोगों ने जेन्युइन ऑप्टिमाइजेशन करनी है, नेचुरल ऑप्टिमाइजेशन करनी है, ऑर्गेनिक ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो भी कीवर्ड बेस्ड है। दोनों चीजों में कीवर्ड्स की ही बात है। सो इसकी इंपॉर्टेंस दोनों में है। कीवर्ड रिसर्च इज वन ऑफ द बेस्ट स्किल्स यू कैन मास्टर। कीवर्ड्स आर हाउ यू रीच पीपल ऑनलाइन, यानी कि बेसिकली कीवर्ड्स क्या है, सोर्स है हमारी वेबसाइट का कि भाई किस तरीके से लोगों ने आपको ढूंढना है ऑनलाइन। तो अगर हमने अच्छे कीवर्ड्स बना लिए जो गूगल फ्रेंडली होंगे तो हम नजर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कीवर्ड जो है वही हमारी सबसे मेन चीज है। हमारी कीवर्ड्स आर हाउ यू रीच पीपल ऑनलाइन, यानी कीवर्ड्स ही की मदद से आप लोगों तक पहुंचते हो। मतलब मेरी एक वेबसाइट है xyz.com, मैं जाता हूँ, मैं कुछ बेचने लगा हूँ, चाहे वो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, तो मैंने लोगों तक जो पहुंचना है बेसिकली कीवर्ड्स के थ्रू पहुंचना है। अब कीवर्ड्स मैं अपनी वेबसाइट में लिख रहा हूँ और लोग अपनी क्यूरीज में लिख रहे हैं, तो जो अपनी क्यूरी में कीवर्ड लिख रहा है वो मेरे तक आ जाता है। कैसे आ जाता है, कि मैं ऑप्टिमाइज हुआ हूँ या मैं गूगल ऐड की तरफ से देखना दिखाया जा रहा हूँ, तो दोनों सूरतों में मैं उसे नजर आ रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैं लोगों तक पहुंच गया हूँ, ठीक है। सर, इसमें जो जिन लोगों को सही पता है, सर स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है, बहुत सारे लोग इतने एजुकेटेड नहीं होते, उनको वर्ड सर्च करने के लिए वो उसमें उनको ढूंढ लिख देते हैं, तो उसमें वो इफेक्ट तो नहीं है हमारे। नहीं, उसमें फिर क्या होता है, उसमें कल हमने पढ़ा था LSI कीवर्ड्स पढ़े थे ना, थीमेटिक कीवर्ड्स, यानी कि थीम आ जाता है बीच में, यानी उसने जो लिखा है थीम तो है ना, मतलब वो जैसी मर्जी इंग्लिश में लिख रहा है लेकिन उसके जहन में थीम तो है, वो लेना क्या चाह रहा है, वो बाई क्या करना चाह रहा है। तो गूगल ने किया हुआ है, क्या किया हुआ है कि LSI कीवर्ड का एक पूरा सर्वर बनाया हुआ है जिसमें उसने थीमेटिक कीवर्ड्स बनाए हुए हैं, सो जो मेन कीवर्ड्स है उसके साथ लिंक किए हुए हैं, उससे मिलते जुलते अल्फाज, तो उनकी वजह से वो भी टॉप पर आ जाता है। उसके बाद क्या जी, फाइंडिंग बायर कीवर्ड्स और मनी कीवर्ड्स इज अ रियल आर्ट, यानी अब वही बात होगी, कहते हैं भाई ये जो बायर क्या लिखना चाह रहा है या मनी से रिलेटेड कोई चीज है वो क्या लिखी जाएगी, ये आपने ढूंढना है खुद से, और ये काम आपने वेबसाइट बनवाने से पहले करना चाहिए असूलन, क्योंकि अगर कंटेंट ही ठीक नहीं लिखा गया, ऐसे तो नहीं होगा ना कि बीच बीच में जाकर हम कीवर्ड लिखना शुरू हो जाएंगे, कि वेबसाइट बन गई है अब हमें, उसके बाद हमने कीवर्ड्स पे काम शुरू किया, फिर हमारे कीवर्ड्स भी बन गए, तो वेबसाइट तो ऑलरेडी किसी बंदे को बुलाकर लिखवा कर उसे घर भी भेज चुके हैं, तो अब हम कीवर्ड्स को कैसे एडजस्ट करें, बड़ा मुश्किल होगा, यानी कि सही तरीके से तो एडजस्टमेंट भी नहीं होगी फिर उसकी, थीम के साथ तो पैराग्राफ के एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो हमें क्या करना चाहिए, पहले कीवर्ड्स को देखना, ठीक है। हाई ट्रैफिक कीवर्ड्स आर नॉट, ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं अभी, कि हाई ट्रैफिक कीवर्ड्स कौन से होते हैं, बताया था ना मैंने, जिन पर ट्रैफिक बहुत सारी होती है, तो कहते हैं हाई ट्रैफिक कीवर्ड्स, ये ना समझें कि भाई इस पर ट्रैफिक हाई है तो ये बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं, जरूरी नहीं है कि जो कीवर्ड्स हाई ट्रैफिक होंगे वही वाले कीवर्ड्स अच्छे कीवर्ड होंगे। एक और चीज भी होती है कि हमारे पास बहुत सारे टूल्स भी होते हैं, फ्री टूल्स। अब फ्री टूल का मतलब तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपको मैथमेटिक्स की इक्वेशन हल करने लगे हुए हो, ठीक है, और उसके एंड के ऊपर की बनी हुई है, तो आपने क्या किया, पहले क्वेश्चन देखा उसके बाद की देखी और आंसर लिख लिया, यानी आपको बीच में कुछ साइंस का तो नहीं पता ये क्वेश्चन हल कैसे हुआ है।
इसी तरह अगर हम सिर्फ और सिर्फ पेड टूल्स की तरफ ही जाएंगे कि भाई पेड टूल तो है ना हमारे पास, रिसर्च नहीं करेंगे खुद से, तो इसका मतलब है वो कीवर्ड हमारा इतना अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि हमने तो रिसर्च ही नहीं की। आपको ये भी नहीं पता कंपटीटर्स को क्या है, क्या करने लगे हमें। आपने एक पेड टूल बाय किया, उसे कहा मुझे कीवर्ड दिखाओ, उसे कहा ये कीवर्ड सबसे अच्छा है, आपने उसे अपनी वेबसाइट में लगा दिया। आपको नहीं पता कि कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं। उसको कहते हैं रिसर्च की अपनी इंपॉर्टेंस है, और रिसर्च हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रहेगी। ये नहीं है कि आपको पेड टूल मिल गया तो उसने कहा भी कीवर्ड मुझसे बनवा लो, मैं बना देता हूँ, और आपने वही कीवर्ड बनाए और अपनी साइट के अंदर उनको ऐड कर दिया। यानी रिसर्च करना बहुत जरूरी है। मोर स्पेसिफिक कीवर्ड्स लीड टू मोर क्वालिफाइड ट्रैफिक। ये प्रीवियस लेसन में भी हम पढ़ रहे थे कि भाई जो जितने ज्यादा स्पेसिफिक कीवर्ड्स होगा उसको उतने ज्यादा अच्छी ट्रैफिक मिलेगी। स्पेसिफिक कीवर्ड्स का क्या मतलब है? मतलब एक बंदा कहता है एजुकेशनल कोर्सेज, एक बंदा लिखता है कंप्यूटर एजुकेशनल कोर्सेज, तो हम कहेंगे कि भैया जो कंप्यूटर एजुकेशनल कोर्सेज है ये ज़्यादा स्पेसिफिक है, इसलिए कि उस बंदे ने सारे एजुकेशनल कोर्सेज नहीं करने, उस बंदे ने क्या करना है, कंप्यूटर का कोर्स करना है। अब एक बंदा एमटी कैट की प्रिपरेशन करना चाहता है, वो लिखता है एंटी टेस्ट प्रिपरेशन, तो एंटी टेस्ट में तो ई कैट भी आ गया, ठीक है। तो अगर वो लिखेगा एमटी कैट प्रिपरेशन तो ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा, और अगर वो किसी जगह जाके नहीं सीखना चाहता बल्कि अपने घर पे बैठ के सीखना चाहता है कि भाई कोई ऐसी मोबाइल ऐप होना चाहिए जिसके थ्रू मैं लर्न कर लूँ, तो वो लिखेगा ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन। तो होता क्या जा रहा है, चीज़ें स्पेसिफिक होती जा रही हैं। अब ऑनलाइन करने वाले लोगों की तादाद तो कम होगी, लेकिन ट्रैफिक कम होगी ना इस पर, लेकिन इस पर ट्रैफिक कम होने की वजह से ये नहीं हम समझ सकते कि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि इसको लिखी वो बनता रहा जिसको ऑनलाइन चाहिए, तो इसका मतलब है इसके ऊपर क्लिक्स ज़्यादा होंगे। क्लिक्स रेशो जब हम देखेंगे तो इसके ऊपर क्लिक रेशो ज्यादा अच्छी आ रही होगी एज कम्पेयर टू ओपन कीवर्ड्स। मतलब अगर हम ऐसे स्टूडेंट्स को भी देख लें जिन्होंने कैंपस में पढ़ना है, ऐसों को भी देख लें जिसमें ऑनलाइन पढ़ना है, तो इसमें इंप्रेशन तो बहुत सारे होंगे लेकिन क्लिक रेशो कम होगी। लेकिन जिसने ऑनलाइन पढ़ना और मैंने टारगेट ही ऑनलाइन को किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर क्लिक रेशो बढ़ जाएगी, ठीक है। आपके मैंने ईमेल्स क्यों लिए हैं अब ये भी बताता हूँ आपको। ये एग्जाम्पल्स भी लिखी हुई है, ये मैंने प्रीवियस लेसन में भी एग्जाम्पल्स को देखा था। हाँ जी, अब अगला काम क्या आ गया हमारा कि कीवर्ड्स को फाइंड कैसे करना है। मतलब कीवर्ड्स को फाइंड करने का आर्ट क्या है हमारे पास, ठीक है। नंबर वन कहता है लुक एट योर करंट डाटा। कहता है सबसे पहले आप अपना जो आपका डाटा है उसको देख लें। मिसाल के तौर पर कहता है जी गूगल एनालिटिक्स और वेबसाइट लॉग्स, इसका क्या मतलब है। गूगल एनालिटिक्स हमारे पास एक टूल है, गूगल का एक गूगल का टूल है गूगल सर्च कंसोल, और एक टूल है गूगल एनालिटिक्स। अब गूगल एनालिटिक्स नाम से आपको अंदाजा हो रहा है कि एनालिसिस करेगा, किसके करेगा, वेबसाइट के करेगा। लॉग का क्या मतलब है, लॉग फाइल क्या होती है कि कोई भी बंदा अपनी एंट्रीज को नोट करना शुरू कर देता है, ऐसे ही है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों कामों के लिए वेबसाइट का होना जरूरी है। जो मैंने अभी पहले बात की उसमें क्या कहा, मैंने कहा कीवर्ड बनाना है ना तो पहले बना लो, वेबसाइट बनाने से पहले बना लो, बाद में बनाओगे तो इसका तो मतलब वो वेबसाइट का कंटेंट भी नए सिरे से लिखना शुरू हो जाएंगे हम लोग, ऐसे ही है ना। तो कहते हैं अगर आपकी वेबसाइट मौजूद है तो आपके पास एक सोर्स क्या है, गूगल एनालिटिक्स, और एक सोर्स क्या है, वेबसाइट लॉग्स। वेबसाइट लॉग का क्या मतलब है कि लोग आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं तो वेबसाइट के अंदर आपको पता लग रहा है ना कि आज कितनी ट्रैफिक आई थी हमारे पास। लेकिन ये कब होगा, ये तो उस वक्त होगा जब हमारे पास सब कुछ मौजूद है। हम तो कह रहे हैं हमारे पास कुछ भी मौजूद नहीं है, फिर तो ये काम नहीं आएगा ये ट्रिक। हाँ, ये ट्रिक कब काम आएगा, जब हमने SEO भी कराई हुई है, हमारी वेबसाइट भी चल रही है, अब हम और इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो इस वक्त तो हमारे पास ये एनालिसिस काम आ सकते हैं। यानी एक तरीका तो ये हो गया। आगे क्या कह रहा है, दे शो व्हाट कीवर्ड्स पीपल आर फाइंडिंग, ओके, इम्प्रूव योर रैंकिंग फॉर दीज कीवर्ड्स। कह रहे हैं अब आपको पता लग गया भाई लोग क्या ढूंढने चाह रहे हैं, लोग क्या ढूंढने लगे हुए हैं, तो आप यहां से अपना इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन ये उस सूरत में जब चीज़ें मौजूद हैं ऑलरेडी। अब हमने क्या स्टैंडर्ड बनाया, हमने तो ये स्टैंडर्ड बनाया कि हमारे पास कुछ भी नहीं है भाई। बेहतर तरीका तो ये है कि पहले कीवर्ड रिसर्च करो। कीवर्ड रिसर्च कर ली, मतलब मैंने क्या कहा, ये वेबसाइट है इस बंदे की, ये लोकल मार्केट है, यानी ये इसकी मार्केट है जहाँ पर इसने बिजनेस करना है। अब मुझे क्या करना है कि इस वेबसाइट के मुझे कीवर्ड्स चाहिए। उसने कीवर्ड्स बना लिए, 20 बना लिए, 25 बना लिए। अब उन्होंने कहा हाँ भाई अब कॉन्टेंट राइटर को ले लेते हैं जो इन कीवर्ड्स के साथ इस वेबसाइट का कंटेंट लिख कर देगा। तो हमारा टाइम बच गया ना, बजाय इसके कि हम पहले कंटेंट लिखवा लेते और उस कंटेंट में हमारा कीवर्ड ही कोई ना होता, जनरल इंफॉर्मेशन होती।
मतलब जिस बंदे ने एक इंग्लिश का बंदा जो है जो इंग्लिश बहुत अच्छी लिख सकता है उसको क्या पता कीवर्ड्स क्या होते हैं, क्या ख्याल है? उसे तो ये पता ना, जो इंग्लिश लिखने वाला बंदा वो कंटेंट राइटर है, लेकिन जो एसईओ का बंदा है उसको पता कीवर्ड क्या है। सो बेसिकली क्या, दोनों ने मिलकर बैठना और उसने बताना कि भाई ये कीवर्ड्स हैं हमारे 25, जो आप कंटेंट लिख रही हो ना 500 वर्ड्स का या 700 वर्ड्स का या 800 वर्ड्स का, इसको आपने इसमें एडजस्ट करना है और इसकी इतनी ओपेसिटी है कि भाई इसको 1% से लेकर 3% तक आपने इसको इसमें इन कीवर्ड्स को, ये जो मैंने आपको 20 कीवर्ड्स दिए हैं इन एक एक कीवर्ड्स की ओपेसिटी कितनी, एक एक कीवर्ड की ओपेसिटी कितनी है 1-3% है। सो कोई एक कीवर्ड 1-3% दफा आना चाहिए, इससे ज्यादा दफा नहीं आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कहता है जी, गूगल वेब मास्टरिंग टूल, ये मैंने भी एक नाम दिया गूगल सर्च कंसोल। तो कहता है गूगल सर्च कंसोल से आपको पता लगता है, ये भी हम पढ़ेंगे, ये सब चीजें आएंगी बीच में कोर्स में, गूगल सर्च कंसोल से हमें पता लगता है कि भाई हमारी जो क्यूरीज आ रही हैं वो किस कीवर्ड्स के या किन वर्ड्स के अगेंस्ट आ रही हैं। तो जब एक महीने के बाद या 2 महीने के बाद मैं अपनी क्यूरीज को चेक करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि लोग क्या ढूंढने लगे हुए, तो मुझे यहां से भी हेल्प मिलेगी। तो ये सारे टास्क अभी तक जो हमने डिस्कस किए आज के लेसन में, ये सारे ऐसे हैं जिसके लिए वेबसाइट का होना जरूरी है, ठीक है। जबकि हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई ये वेबसाइट से, इसका मतलब क्या हुआ कि इनको हम अपनी वेबसाइट को के कीवर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल कैसे करेंगे भाई, फिर तो सारा काम रीबिल्ड करना पड़ जाएगा ना। जैसे ही है ना, जैसे कि घर बनवा लें और फिर कहेंगे यार बाद में नक्शा बनवा लेंगे, हाँ, वो फिर जब नक्शा बनेगा तो कहेंगे तो कमरा गलत बन गया, यहाँ पर तो किचन होना चाहिए था, तो फिर उसमें अल्ट्रेशन होनी शुरू हो जाएगी। सो हमें सबसे पहले कीवर्ड पे काम करना है, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, अब मैंने आपको बताया ना गूगल वेब मास्टरिंग बेसिकली पुराना नाम है, इसका नया नाम क्या है, अभी बताया कुछ लम्हे पहले गूगल सर्च कंसोल, इसका जो नया नाम है वो है गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। पुराना नाम था इसका वेब मास्टरिंग टूल। यूज कीवर्ड टूल्स लाइक गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है, इस मकसद के लिए मैंने आपके जीमेल लिए थे। कहता है भाई अगर आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है तो आप कीवर्ड प्लानर भी इस्तेमाल कर सकते हो जो गूगल का टूल है, ठीक है। अभी मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ, गूगल एड्स। सो बेसिकली गूगल एड का जो पुराना वर्जन था वो था गूगल एडवर्ड, ठीक है। सो एडवर्ड की टर्म भी आप कहीं सुन सकते हैं, क्योंकि इन्होंने गूगल एड ने जो स्टार्ट लिया था वो गूगल एडवर्ड्स के नाम से लिया था, अब वो नाम चेंज हो चुका हुआ है और वो गूगल एड्स के नाम से है। आगे कह दी, यूज सर्च सजेशंस फाउंड इन मेजर सर्च इंजन। सर्च सजेशंस क्या होती हैं? मोस्ट पॉपुलर आ रही होती है, नीचे आ जाते हैं, जरा देखते हैं सर्च सजेशंस होगी नीचे। आगे सर्च सजेशंस, यानी हम कोई भी चीज सर्च करते हैं तो उसके बॉटम के ऊपर सजेशंस आ जाती हैं कि भाई आपने ये जो ढूंढा है ये वाली टर्म्स को भी लोग ढूंढने लगे हुए हैं। तो हमें आइडियाज मिल गए ना कीवर्ड्स के लिए अपने, ठीक है। तो कह रहा है एक तो आपने ये काम करना है भाई कि आप अपनी सर्च सजेशन से भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। उसके बाद ब्राउज योर और ऑटो कंप्लीट से भी ढूंढ सकते हैं। ऑटो कंप्लीट क्या है, गूगल पे जाकर लिखना शुरू करते हैं ना ऑनलाइन, तो ऑनलाइन के नीचे एक लिस्ट खुल जाएगी कि नहीं खुलेगी, जो जो कुछ होगा। तो ये क्या है, गूगल ऑटो कंप्लीट है। ये कहाँ पर होता है, सर्च पर होता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर होता है कि जैसे ही आप उसमें सर्च करना शुरू करते हो तो ऑटो कंप्लीट आपको हेल्प मिलता है। वो ऑटो कंप्लीट कहाँ से पिक होता है, वो जो उसका इंडेक्स सर्वर है उसके ऊपर जो इंडेक्सिंग हुई हुई है वहां पर जो जो चीजें लोगों ने सर्च की होती है वो वहां से उसको पिक कर लेता है, ठीक है। ओके, जो ऑटो कंप्लीट भी एक हो गया जी। ब्राउज योर कॉम्पिटेटर साइट्स, कहता है एक तरीका क्या है, अब ये जो फ्री टूल्स होंगे ये चीजें तो नहीं हमें करने कर सकेंगे ना कि भाई हमारा कॉम्पिटेटर क्या यूज करने लगा हुआ। तो आपने क्या करना है कि आपकी जो भी ब्रांड है आपने देखना है भाई ये प्रोडक्ट है ये सर्विस है इसका जो कॉम्पिटेटर है कौन कौन है। कौन कौन है का मतलब क्या है कि पहले सफे वाले कॉम्पिटेटर्स को ही देखना है, दूसरे में तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। और पहली 3 जो साइट्स आ रही हैं बेसिकली तो उसके साथ मुकाबला करना है आपने 3-5 तक। तो आपने देखना है पहली 5 साइट्स कौन सी हैं, उनकी वेबसाइट्स कैसी हैं और उनके कीवर्ड्स कौन से हैं। सो ये भी एनालिसिस हमें करना है, कीवर्ड प्लानर भी यूज करना है, सजेशन बॉक्स भी यूज करना है, ऑटो कंप्लीट भी यूज करना है, फ्री टूल्स भी यूज करने हैं, कितना कुछ यूज कर रहे हैं तो हमें कीवर्ड मिल रहा है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कहते हैं जी, ब्राउज योर कंपिटेटर साइट्स फॉर कीवर्ड आइडियाज, ये हो गया। मॉनिटर इंडस्ट्री वेबसाइट्स इन योर नीश मार्केट,
इसका क्या मतलब है, कहते हैं आपकी जो इंडस्ट्री से रेलिवेंट वेबसाइट्स हैं जो आप ही की इंटरेस्ट की हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरा एक क्लाइंट है दस्तगीर इंजीनियरिंग जो कमर्शियल किचन इक्विपमेंट सेल करता है, जो आइसक्रीम मशीनरी सेल करता है, मैं उसकी इंडस्ट्री से रेलिवेंट जो वेबसाइट्स हैं उनके एनालिसिस करूँगा और देखूंगा कि उसने कौन से कीवर्ड यूज किए और वो कौन सी प्रोडक्ट सेल करने लगे हुए, ठीक है, उन्होंने कॉन्टेंट कैसे लिखा हुआ। अच्छा, उसके बाद लुक एट साइट्स, कहता है आपने कुछ साइट्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं फोरम टाइप साइट्स, फोरम्स बने होते हैं। जैसे आप लोग अपना एक ग्रुप बनाओ शाम को कि हम यूं किया करेंगे कि सारे स्टूडेंट जो है ना आज के लेक्चर को डिस्कस करेंगे, तो ये क्या हुआ, ये फोरम हो गया आपका कि भाई किसको क्या समझ में आया किसको क्या समझ में नहीं आया, तो आप फोरम के तौर पर डिस्कस करने लगे हुए सारी चीज़ें। इसी तरह ऑनलाइन हमारे पास बहुत सारे फोरम्स बने हुए हैं जहाँ पर जाकर हम कुछ पूछ भी सकते हैं और कुछ बता भी सकते हैं। तो कहता है ये जो पुराना फोरम था ना हमारे पास वो था याहू आंसर्स, अब तो खैर इसकी इतनी प्रायोरिटी नहीं है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर है वो है कोरा, कोरा के नाम से एक फोरम है, इसको आप ज्वाइन कर लें, फौरी तौर पर ज्वाइन कर लें, आज की तारीख में ही ज्वाइन कर लें, कोरा.com पर जाएं, वहां पर साइन अप हो, अपनी नीच में जाकर एंटर हो जाएं। तो आपकी नीच क्या है इस वक्त, डिजिटल मार्केटिंग है ना, मार्केटिंग है आपकी, तो उसमें जाकर एंटर हो जाएं। SEO आपकी नीच है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आपकी नीच है, यही है ना, ये गूगल एड्स आपकी नीच है, तो इन इनिश मतलब इंटरेस्ट है आपका जो जो आपकी फील्ड है उसके, इसमें जाकर अपने अकाउंट्स बनाएं, देखें क्या हो रहा है, क्वेश्चंस करें, आंसर्स करें, बेसिकली इन जगह से आकर हम चीजें लर्न करते हैं। QUORA, अभी मैं खोल के दिखा देता हूं आपको, यहां से क्वेश्चन आंसर वाली ऐप है ये, क्वेश्चन आंसर लोग यहां से पूछते हैं, कुछ कोई एक्सपर्ट जवाब दे रहे होते हैं, ठीक है। सो कहता है इधर जाएंगे तो इधर से भी आपको पता लगेगा, इसलिए यहां पर भी तो लोगों ने कितना कुछ किया होगा कीवर्ड, यहाँ से कोई बंदा पूछ सकता है भाई मैं कमर्शियल किचन की वेबसाइट बना रहा हूँ कौन सा कीवर्ड रखना चाहिए, कितने सारे जवाब आने शुरू हो जाएंगे एकदम, टॉप के लोग बैठे होते हैं, टॉप के लोग बैठे होते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर रिलाई नहीं करना, ठीक है ना, ये सारे प्लेटफॉर्म को मैं देखे ना, मैं एक प्लेटफॉर्म की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई सबको देखना है और एनालिसिस फिर हमारा अपना होगा। लुक एट thesaurus.com, ये भी एक वेबसाइट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी thesaurus होता है ना, थिसारस का क्या मतलब है, हम अनिल पास देख रहे होते हो ना, जैसे मैं वर्ड में लिखूँ स्ट्रगल और शिफ्ट F7 की प्रेस कर दूँ तो इतनी बड़ी एक लिस्ट आ जाएगी, डिक्शनरी खोल देगा कि भाई स्ट्रगल की जगह पर आप एफर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो बेसिकली कीवर्ड भी तो हमारे वर्ड्स ही है ना, और जब मैं LSI कीवर्ड्स की बात कर रहा था तो मैंने क्या कहा था, थीमेटिक कीवर्ड्स, तो वो थीमेटिक कीवर्ड्स आपने भी तो कॉन्टेंट में यूज़ कर दिया ना, क्योंकि वो आपके कॉन्टेंट में होंगे तो मैच होंगे ना जाके गूगल के सर्वर से, तो अगर आपके पास भी नहीं है तो वो खुद से तो नहीं अंदाजे लगाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है बंदा, समझ आ गई बात की, इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें चाहिए क्या था बेसिकली, इन सारी चीजों में से बहुत सारी चीजें तो सामने नजर आ रही हैं, ऑटो कंप्लीट सामने है ना, सजेशन बॉक्स भी सामने ही है, मतलब गूगल करोगे तो नीचे सजेशन बॉक्स आ जाएगा। कीवर्ड प्लानर की बात करते हैं, ठीक है, यानी हमारे पास किसका एक्सेस होना चाहिए, गूगल कीवर्ड प्लानर का एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। सो एक काम करते हैं, जरा मैं यहां पर ना एक अकाउंट में आता हूं, इसे खोलें, यहां पर मैंने अभी एक नया अकाउंट बनाया है, इसको खोल लें, मैं इसमें आया, अब मैंने खोलना है गूगल का कीवर्ड प्लानर, हाँ गूगल का कीवर्ड प्लानर खोलने लगा, तो मैं किसमें जाऊंगा, कीवर्ड प्लानर इज अ पार्ट ऑफ गूगल एड्स, कीवर्ड प्लानर किसका हिस्सा है जी, गूगल एड्स का, सिंपल सी बात होगी सबको समझ में आ गया कि भाई कीवर्ड प्लानर यूज करना है, कीवर्ड प्लानर फ्री टूल है, कोई पैसे नहीं देने आपको इसके लिए, ठीक है, और अगर आपने कीवर्ड प्लानर यूज करना है तो क्या करना है, आपने गूगल एड्स में जाना है, आपने प्रैक्टिस करने के लिए लैब में अगर आना चाहिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने का कोई फायदा नहीं है, पेट्रोल ही जाया करेंगे, घर में बैठ के अपने ही कंप्यूटर पर अपना इंटरनेट ऑन करें और वहां पर प्रैक्टिस करें, इसलिए कि सारी चीज़ों की प्रैक्टिस आपके घर में होगी, सवाल का जवाब मैंने देना है आपको, ठीक है, सो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछें कि ये कर रहे हैं ये चीज़ समझ में नहीं आ रही आपको, हाँ स्क्रीनशॉट बनाकर भेजने लगता है कि कोई भाई एक मिनट का कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आया, उसकी एक वीडियो बनाकर भेज दो कि जी यहाँ तक ठीक हो रहा है, इससे आगे समझ में नहीं आ रहा ये क्या चीज़ है, ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे क्लासरूम में फोकस होकर सीखें कि चीज़ें समझ में आए। तो अब हम कहाँ जाने लगे हैं जी, कीवर्ड प्लानर में कहाँ जाना चाहिए,
कीवर्ड प्लानर में जाने के लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए, गूगल एड्स में जाना चाहिए, ये आ गया गूगल एड्स, हो सकता है ना आए, मैं कहा हो सकता है ना आए, अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर क्या करेंगे, अभी तो आ रहा है ना गूगल एड्स यहाँ पे, मैं कहता हूँ नहीं आ रहा है, मोर फ्रॉम गूगल पे चला गया, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपने व्हाट्सएप यही करना है कि हमारा गूगल एड नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे, हाँ क्यों नहीं आ रहा, जब तक आप फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं, जो वो चीज़ें नज़र आ रही हैं जो गूगल समझ रहा है कि स्टैंडर्ड यूज़ हो रही हैं, मेरे लैपटॉप के ऊपर क्योंकि गूगल ऐड यूज़ होता है फ्रीक्वेंटली तो उसने मुझे दिखा दिया, बाकी उसने वो स्टैंडर्ड चीज़ें दिखानी है जो फ्रीक्वेंटली एक नया यूज़र यूज़ कर सकता है, ठीक है, सो आपका ना तो प्रोफाइल नज़र आएगी, बिजनेस प्रोफाइल पहली स्क्रीन पर नज़र आएगी, ना गूगल ऐड पहली स्क्रीन पर नज़र आएगा, सो ये कहाँ नज़र आएंगे देखते हैं, कहाँ नज़र आएंगे, नीचे आते हैं, हाँ सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, सबसे ऊपर क्या था जी, ब्राउज ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, आगे ऑप्शन सारी की सारी, यहां पर आप गूगल ऐड देखते हैं कहाँ है, ये क्या लिखा हुआ है, फॉर बिजनेस पे आएंगे, आ गए गूगल एड्स भी आ गया, प्रोफाइल भी यहीं पे कहीं होगी, ये ऊपर प्रोफाइल आ रही है और ये गूगल एड आ रहा है, इस पर क्लिक करें, गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो है आज से कुछ 6 महीने पहले इसका नाम भी गूगल माई बिजनेस होता, ये भी इन्होंने रिसेंटली इसका नाम चेंज किया, हाँ गूगल बिजनेस मेरे ही चैनल के ऊपर अगर आपको 6 महीना पहले का लेक्चर देखोगे ना तो जब मैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल पढ़ा रहा हूँ तो बेसिकली मैं उस वक्त गूगल माई बिजनेस पढ़ा रहा हूँ, यानी गूगल वालों ने इसका नाम चेंज कर दिया है और अब इसको गूगल बिजनेस प्रोफाइल कर दिया है, इस पर क्लिक करें, आ गए कहाँ जा रहे हैं हम, गूगल एड्स में साइन इन करें, देखते हैं क्या आपके सामने, इसीलिए खोल दिया कि कुछ टेंशन आपको भी यहाँ पे हो जाए, ठीक है, क्या कहता है जी, न्यू गूगल एड अकाउंट, ठीक है जी, मैं कहता हूँ न्यू अकाउंट बना दो, ठीक न्यू अकाउंट बनाने लगे, अलग ऐप का क्या मतलब, हाँ वो तो मोबाइल ऐप की बात कर रहे हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसे ही है, अच्छा जी यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आ गया बाकी जी पूछे गूगल भी ऐसे ही है, जैसे आप आईडी बना रहे हैं, नहीं गूगल ऐड में जब ऐप में जाओगे वो तो सिंपली अगर नहीं होगा तो पूछेगा बनाने को, ठीक है, लेकिन आपने ये काम सारे डेस्कटॉप से करने हैं, क्योंकि डेस्कटॉप से नहीं करेंगे तो टेंशन डबल हो जाएगी, ठीक है, तो डेस्कटॉप से करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, कुछ नहीं करना आपने, यहाँ से सीधा सीधा कहाँ जाना है, स्विच टू एक्सपर्ट मोड, इस पे लिखा हुआ है स्विच टू एक्सपर्ट मोड, कहता है भाई एक्सपर्ट मोड में ले जाओ मुझे, देखते हैं पैसे मांगता है मुझे, कार्ड मांगता है फिर उसका कोई हल निकालेंगे, उसके हल के लिए मैंने जीमेल्स दिए आपके, आगे नीचे क्या लिखा हुआ है, क्रिएट एन अकाउंट विद आउट अ कैंपेन, इस पर क्लिक करेंगे अब हम, ये सारे स्टेप वीडियो में रिकॉर्ड है, ये वाला सवाल नहीं पूछना मुझसे, ये सवाल पूछने के लिए वीडियो देखनी है, ठीक है, ऐसी बात पूछनी है जो मैंने ना बताई हो, ठीक, आगे क्या कह रहे जी, कह रहे ये चीजें आ गई आपके पास, अच्छा अब क्या पूछ रहे जी, बिलिंग इन्फॉर्मेशन पे आ गया, फंस गए, चलो जी इसको भी क्लिक करते हैं जरा और फिर सबमिट कर देते हैं, इसको देखते हैं बिलिंग इन्फॉर्मेशन में जाता है, आगे नहीं गया, जी ये क्या लिखा हुआ है जी, और ये लिखा हुआ है मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लें, ठीक है, मैं कहता हूँ एक्सप्लोर, मेरे मोबाइल पे इंस्टॉल हुआ है, मैं मोस्टली काम उसी पे करता हूँ, अच्छा सबसे पहले आपने ये एक्सपीरियंस करके देखना है, यानी कि आज आपने ये एक्सपीरियंस करके देख लेना, अगर आपका ये अकाउंट नहीं बनेगा, जैसे देखा ना मैंने भी नए अकाउंट में बनाया, मेरा कोई ये वाला ईमेल अकाउंट अभी मैंने एक प्रीवियस क्लास में बनाया पढ़ाते हुए, उन्हें मैंने शायद क्या कोई चीज़ पढ़ानी थी, कोई सोशल मीडिया पढ़ाना था, उसके लिए मैंने ये जीमेल बनाया था,
तो ये बिल्कुल न्यू जीमेल है, मतलब अगर ये नहीं समझना कि हमारा जीमेल न्यू है तो शायद वो इसलिए नहीं बन रहा, तो ये बन भी गया, सब कुछ हो गया हमारे पास। अच्छा, अब असल में तो यहाँ क्यों आए थे हम, यानी आज आपने जाकर अटेम्प्ट करनी है कि आप अपना गूगल एड अकाउंट बना लें। सब लोग देख लिया ना स्टेप कैसे बनने हैं, गूगल एड में गए हैं, लॉग इन किया है, एक्सपर्ट मोड में गए हैं, कैंपेन के बगैर बनाया है और एक्सप्लोर कर दिया, ऐसे ही है। पहले सबमिट का बटन भी बीच में आया था, उसे सबमिट भी कर दिया कुछ भी किए बगैर, तो इस जगह पर हम आ गए। अगर तो आप लोग भी इस जगह पर आ जाएंगे तो इसका मतलब होगा कि आपका गूगल एड अकाउंट विदाउट एडिंग पेमेंट मेथड क्रिएट हो गया, ठीक है। और अगर वो आपसे कहेगा कि भाई पेमेंट मेथड ऐड करो, फिर हम कोई दूसरा तरीका देखेंगे कि भाई आपको फिर मैं अपना कोई अकाउंट शेयर करवा दूंगा, मेरी बात समझ में आ गई है, तो मैं आपको अपने अकाउंट में राइट्स दूंगा जिस पे आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि हमारा जो कोर्स है ना वो सारा कोर्स प्रैक्टिकल है, बस ये ज़हन में रखना, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं क्लासरूम में कुछ करूँ और फिर मैं आपसे कहूँ कि बस हो गया, मैं जो कुछ करवाऊँगा भी कोशिश होगी कि आप खुद इसको करें, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे गूगल ऐड, अब मैं भी गूगल एड्स बनाता हूँ, आपको भी कहूँगा गूगल ऐड बनाओ, लेकिन फ़र्क सिर्फ यह है कि मैं कस्टमर्स का बना रहा हूँ, आप प्रैक्टिस के लिए बना रहे हो, तो आप भी ऐड अकाउंट बनाओगे, सब कुछ बनाओगे, लेकिन इन चीज़ों को अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो बनाओगे। तो अगर ये चीज़ें आपके पास एक्सेस में नहीं होएंगी फिर तो नहीं कुछ कर सकते ना, ठीक है। सो ये इसने बना दिया मेरा अकाउंट, ट्राई करनी है पहले पुराने अकाउंट के साथ गूगल ऐड बनाने की, नहीं बनता फिर एक नया जीमेल बनाओ और उसके साथ बनानी है। जब दोनों, और एक बात याद रखें कि ये ट्राई ट्राई अगेन वाली गेम होती है प्रोफेशनल बनना, ठीक है। सो वंस ट्राई वाली गेम नहीं होती कि भाई किया हो गया फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, नहीं हो रहा जी, आसान सा फार्मूला नहीं हो रहा, बात खत्म होगी, ऐसे नहीं करना, कोशिश करनी है कि ये कर लें हमने, बेशक थोड़ी सी सरखपाई करनी पड़ेगी क्यों नहीं हो रहा भाई, देखो क्या वजह है, समटाइम आगे ही नहीं जा रहा होता, पता लगता है एंड पे पता लगता है वो तो इंटरनेट ही नहीं था चल रहा आपका सही, तो आप परेशान हो जाएंगे हमें गूगल ऐड इस्तेमाल करना नहीं आता है, तो मतलब इस तरह की परेशानी नहीं लेनी है, एक चीज़ को पकड़ना है तो बैठ जाना है, जब तो कहना भाई इसको करके छोड़ना है कुछ भी हो जाए, चले वो तो आजकल का इशू है ना, वो कोई मतलब ऐसा इशू तो नहीं है कि रहेगा हमेशा, ठीक है। आज ये कल से काफ़ी बेहतर है, तो कल मेरा ख्याल है आज से बेहतर हो जाएगा, नेट लाइट का मसला, कल तक तो हम कुछ भी नहीं, कल तो मैं भी नहीं पढ़ा पा रहा था, नसीब चल रही थी, ना डाटा चल रहा था, एक टेलीनोट की डिवाइस है वो भी नहीं चल रही थी, कुछ भी नहीं चल रहा था कल तो, ठीक है। सो आज तो बहुत बेहतर है उससे। अच्छा, अभी तक हम ऐड में नहीं, उसमें नहीं गए, कीवर्ड प्लानर में नहीं गए अभी, अभी मैंने आपको कीवर्ड प्लानर में लेकर जाना। सो कीवर्ड प्लानर में जाने के लिए आपने क्या करना है जी, ये क्या लिखा हुआ है, टूल्स एंड, ये आ गए, आ गए, इसमें ऑप्शंस आ रही है, इसकी लेफ्ट साइड पर देखो ये लिखा हुआ है कीवर्ड प्लानर, और किस हेड में आ रहा है, ये प्लानिंग के हेड में आ रहा है। ओके, जरा एक काम करते हैं, मैं जरा इसका जूम थोड़ा सा बड़ा करूं, ये क्यों बड़ा किया मैं देखते हैं, क्यों बड़ा किया इसको, इसका इंटरफेस चेंज हो गया ना, मोबाइल पर जाएं तो शायद ऐसे नजर आया, टैबलेट में भी देखें तो शायद ऐसे नजर आए, ठीक है। उसकी वजह यह है कि ये मोबाइल व्यू में आ गया ना, मैंने स्क्रीन जो बड़ी कर दी है तो उसने एक सब का मोबाइल व्यू दिखा दिया मुझे, तो कहाँ जाना था, प्लानिंग में, ठीक है, इसीलिए मैंने किया कि आपको पता लगे कहाँ जाना था। आगे और यहाँ से चले जाते हैं कीवर्ड प्लानर पर और वापस आ जाए, इसको छोटा कर दें वापस, मैं सब समझाने के लिए आपको किया। आगे इस हिस्से पे आपने काम करना है, ठीक है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, चलें जिस पे आ जाते हैं। अब यहां से हमारी बात क्या है, यही मैंने कहा ना कीवर्ड प्लानर यूज करना है, कीवर्ड बनाने हैं ना, ठीक है। अब कीवर्ड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कीवर्ड बनाने के लिए हमें कीवर्ड आइडियाज चाहिए, ऐसे ही है ना, कीवर्ड आइडियाज होंगे तो कीवर्ड्स बनेंगे और LSI कीवर्ड्स तभी बनेंगे ना, मतलब मेन कीवर्ड भी उसी वक्त बनेंगे, LSI कीवर्ड भी उसी वक्त बनेंगे जब कीवर्ड आइडियाज होंगे। तो अगर मेरे पास सिर्फ एक ही आइडिया हो कि MD CAT प्रिपरेशन, तो इससे तो बहुत सारे कीवर्ड मैं नहीं बना पाऊंगा। अब कीवर्ड आइडियाज लेने के लिए मुझे क्या यूज करना है, मुझे वो सारे तरीके यूज करने हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ा दिए। मतलब कीवर्ड आइडियाज के लिए मुझे क्या यूज करना है, सबसे पहली बात तो मैं, मेरा जो क्लाइंट है वो मुझे कीवर्ड आइडियाज देगा, नंबर वन, देगा कि नहीं देगा, मतलब जिसका बिजनेस है वो देगा, भाई मैं आइसक्रीम मशीनरी बेचता हूँ तो जो लोग हैं ना वो ढूंढने के लिए ये भी लिखते हैं, ये भी लिखते हैं, ये भी लिखते हैं, ये भी लिखते हैं, मुझे नहीं पता कीवर्ड क्या है, वो तो कहेगा लोग मेरे बिजनेस को ढूंढने के लिए ये लिखते हैं, तो 5-6 आइडियाज तो वो दे देगा आपको।
उसके बाद आपने उन 5-6 आइडियाज को गूगल पर ले आना है, तो आपने देखना है गूगल ऑटो कंप्लीट आपको क्या देता है। उधर से भी आइडियाज मिल गए, उन ऑटो कंप्लीट में से जब आपने किसी एक ऑटो कंप्लीट पे क्लिक किया तो उसने आपको सजेशन भी दी, तो और आइडियाज मिल गए। ये अभी कीवर्ड नहीं है, मैं इनको कीवर्ड्स नहीं कह रहा हूं, ये सब के सब क्या हैं, कीवर्ड आइडियाज है। मैं इन सब की लिस्ट बनानी है और यहां लाकर पेस्ट कर देनी है। फिर इसने मुझे बताना है कि भाई ये जो कीवर्ड्स थे इनके इतने सर्चेज हो रही हैं। ठीक है, आए अंदर आप गूगल में वापस। ये काम करते हैं, यहां पर कुछ ऐड कर देते हैं पहले। चले जी, यू लिख देते हैं, ये कीवर्ड है मेरा। किसकी बात करें, यूज लैपटॉप्स की बात कर लें या एजुकेशन की बात कर लें, एमडी कैट की बात कर लें या कंप्यूटर कोर्सेज की बात कर लें। चलो कंप्यूटर कोर्सेज की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर कोर्सेज एक एंटर कर दिया मैंने, एक आइडिया आ गया मेरे पास। इनको हम बोलते हैं फीड कीवर्ड्स, सीड कीवर्ड्स। ये सीड्स है ना, बहुत सारे सीड्स होंगे मेरे पास, इनमें से मैंने कोई चीज निकालनी है, मतलब इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सीड कीवर्ड्स। ठीक है, अच्छा यहां लिखा मैंने कंप्यूटर कोर्सेज, यहां पर मैंने लिखा यूज़र। अब क्या, नहीं नहीं अब एक ही चीज पे रहना है ना, प्रोडक्ट पकड़ लिया हमने अपनी, अब इसी प्रोडक्ट पे रहना ना। ठीक है, अपनी दुकान में ये तो नहीं कंप्यूटर पढ़ाने सारी लैपटॉप बेचने लगे हुए स्टूडेंट्स को है, गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा आगे लिखते हैं जी कंप्यूटर क्लासेस। चलो जी, मतलब दो मुख्तलिफ आइडियाज थे, इनमें आइडियाज ले आया हूं ना मैं। चले अब आ जाते हैं इधर गूगल पर, और यहाँ गूगल पर ही आ जाते हैं सीधे। आगे और यहां लिखता हूं मैं कंप्यूटर कोर्सेज जी। ऑटो कंप्लीट ने सजेशंस दी मुझे, ये सारी सजेशंस मुझे देखना है इसमें से कौन सी मुझे चाहिए। देखें कंप्यूटर कोर्सेज चाहिए, कंप्यूटर कोर्स लिस्ट, कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर, कंप्यूटर कोर्सेज इन नियर मी, कराची में अगर मैं नहीं पढ़ा रहा तो नहीं लूंगा, अगर ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो मैं इनको भी ले लूंगा। इनमें से कुछ चीजें मेरे काम की निकल आई इधर से, ये भी मैं सीड कीवर्ड में यूज कर सकता हूँ। ठीक है, इसकी लिस्ट बना के स्क्रीनशॉट लेके उधर जाकर सीड्स में ये भी दे दूंगा। ठीक, अच्छा उसके बाद मैं किसी एक को चूज करता हूँ, कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर को चूज कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं नीचे, बिल्कुल बॉटम पे आ जाए। अच्छा ये क्या आ गया हमारे पास, अब ये सजेशन आ गई, गूगल ने जो सजेशन दे रहा है हमें। यहां से भी मैं देखता हूँ जी कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर, कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर गुलबर्ग। ठीक है, चलो यहाँ से इनमें से भी मैं देख सकता हूँ। अभी मुझे सीड्स कर रहा हूँ ना मैं, अभी मेरे कीवर्ड्स नहीं है, ये सारा जो गार्बेज समझे, ये सारी गार्बेज उठानी है मैंने और उधर ले जानी है, और उधर जाकर उसको कहना है कि भाई इसमें से मुझे बताओ कौन से कीवर्ड्स हैं जिनकी सर्चेज अच्छी हैं। तो मुझे बताएगा कि भाई इसको मंथली इतने लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, सो अब आ जाते हैं ऊपर वापस, और यहाँ पर अब आके मैं लिख लेता हूँ, यहां लिख देता हूं कंप्यूटर क्लासेस। अब जरा चीजें देखें क्या आ रहा है, मिल गई और सजेशंस मिल गई, इसको भी मैं उठाऊंगा और उधर ले जाऊंगा। ठीक है ना, इसको भी उधर जाके पेस्ट कर दूंगा, तो काफी सारा सीड्स इकट्ठे हो गए मेरे कीवर्ड्स के लिए, काफी सारे सीड्स इकट्ठे कर लिए। अच्छा उसके बाद मैंने और क्या देखा, मैंने और ये देखा कि भाई जो पहले नंबर पर बंदा आ रहा है ये क्या आ रहा है जी, लर्न कंप्यूटर प्रोग्राम, ये भी लिख दूंगा। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, ओके ये भी मुझे मिल गया ना, ये टाइटल्स है ना सबके, इन्हीं की वजह से तो कीवर्ड रैंक हुआ है। इधर से भी मैंने इनको भी जाकर उधर सीड्स में डाल दिया। अब मैं लिखता हूं भाई डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस भी तो है ना, और भी लिस्ट आ गई थी, फिर आ गई थी ना नीचे एक और लिस्ट आ गई थी हमारे पास।